फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसी हैं आप सब मैं ठीक हूँ दोस्तों टाइम हो गया है शाम का और थोड़ी सी देर हर्षीदा सो गई थी क्योंकि थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है तो उसको सोते हुए को छोड़कर मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती हूँ और मुझे वो अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ सब शेयर करना तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए तो मैंने क्या किया है कि पहले मैं नॉर्मल वाइट नमक जो होता है वही यूज़ किया करती थी पर अब मैंने अपने वाइट नमक को स्विच कर लिया है पिंक सॉल्ट के साथ क्योंकि इसके मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको गूगल पे पढ़ के देखा इसके बारे में जान के देखा तो पता चला कि उसके कंपेयर में ये काफ़ी हेल्दी होता है और दूसरा क्या होता है कि जो भी कांच के आइटम हर वक्त अगर हम मार्केट से खरीद के नहीं लाते हैं तो कुछ कांच के बाउल ऐसे होते हैं जो मैं संभाल के वॉश करके रख लेती हूँ लाइक ये वाला पहले जब मैं ओलिवस लेके आई थी तो ये बॉटल जो है ऑलिवस की है इसके अंदर ग्रीन ऑलिवस आए थे वो लाकर मैंने यूज़ किए लॉन्ग टाइम वो चल गए थे फिर जब वो हमने खा लिए उसके बाद वो फिनिश हो गए तो इस बॉटल को मैंने संभाल के धो के वॉश करके रख लिया था तो ये जो ग्रीन आप बास्केट देख रहे हैं इसके अंदर मैं थोड़े से वो वाले अपनी कांच के आइटम रख लेती हूँ जो मुझे एमरजेंसी में चाहिए होते हैं छोटे छोटे आइटम रखने के लिए और इनको मैं फेंकती नहीं हूँ कांच की कांच के जार को या कांच के किसी भी आइटम को मैं बहुत रेयर होता है जो फेंकती हूँ प्लास्टिक वगैरह तो मैं फेंक देती हूँ अभी क्या था कि मैं जब सामान लेके आई तो साथ में आमचूर पाउडर लेके आई थी बट उसको लाकर क्योंकि मैं थोड़ा सा ही लाई थी और उसको लाकर मैं भूल गई थी उसको निकालना क्योंकि सीजन चल रहा है इसका बारिश का तो इस समय पे मसाले वगैरह जो होता है जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो इस महंगाई भरे ज़माने में हम उन चीज़ों को फेंक तो सकते नहीं हैं उनको लेकिन क्लीन करके साफ करके अच्छे से स्टोर करके रख लेना चाहिए तो यहाँ पर मैंने यही किया है कि इस आमचूर को मैंने अच्छे से बढ़िया से एकदम छान लिया था और जब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया तो इसको कांच के एयर टाइट जार में फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया क्योंकि फ्रिज के अंदर अगर हम मसाले रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते और जब सामान में लेके ही आई थी तो थोड़ी सी मैं खड़ी साबुत हल्दी भी लेके आई थी तो इसको भी इस तरीके से एक और जार के अंदर रख लिया है तो आप देख रहे होंगे इसमें जो छोटे वाले आप गोल वाले देख रहे हैं ये तो मेरे खरीदे हुए हैं सारे ये इनका जो चार से छः पीस का सेट आता है मैंने वो लिया था बट जो लंबे वाले आप जितने भी मेरे पास कांच के जार देख रहे हैं वो सारे आ, मैंने जो सामान के साथ उनको खाली करके वॉश करके रखा हुआ था ये पूरा सेट खरीदा हुआ था तो यहाँ पर मेरा जितना भी रिस्टोर करना था मुझे चीज़ों को मैंने वो कर लिया है अब टाइम हो रहा है खाने की तैयारी करने का तो खाने में प्लान बन रहा है कि इवनिंग टाइम पर मैं ये काले चने बनाऊँगी और तब तक दो तीन घंटे ये आराम से भीग जाएंगे तो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी और यहाँ पे इसको भिगा के मैंने रख दिया है तैयारी कर रही हूँ आटा गूंदने की तो आटा मैं किस तरीके से गूंदूँगी आज थोड़ा सा कभी कभी थोड़े बहुत चीज़ों को मैं चेंज करती रहती हूँ तो आज जब आटा गूंदने की बारी आई तो माइंड में चल रहा था कि कुछ हेल्दी सा कुछ बनाएंगे तो उसके लिए आटे के साथ कुछ और इन्वॉल्व करते हैं तो मैं क्या क्या चीज़ उसके अंदर डाल रही हूँ तो आप मेरे साथ देख लीजिए आपको अच्छा लगे तो कभी कभी इस तरीके से भी आप चीज़ें चेंज कर लिया करिए क्योंकि नॉर्मल रोटी हम खाते हैं और कभी कभी रोटी के साथ हम मतलब नॉर्मल रोटी में ही उसी आटे में हम थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो उसका स्वाद अलग से ही जाता है तो यहाँ पर मैंने जो आटा है नॉर्मल आटा वो ले लिया है उसके अंदर दो चम्मच मैंने बेसन मिला लिया था साथ में मैं थोड़ी सी अपने हाथों से ही रगड़ के उसके अंदर अजवाइन डाली है नमक डाला है और बस इसको आटे को गूँध लूँगी और फिलहाल मुझे रोटी बनानी नहीं है पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ शाम के लिए क्योंकि मुझे काफ़ी ढेर सारा आज काम है ताकि जब मैं शाम में किचन में आऊँ तो मेरी प्रिपरेशन देखकर मुझे इतना रिलैक्स फील हो कि मैं ईज़िली काम कर सकूं तो मेरे को कल तक के लिए आटा नहीं चाहिए अभी शाम में ही हम लोग खाना खा लेंगे तो उस हिसाब से मैंने इसको गूंद के रख लिया है और अब किचन का मेरा ये काम हो गया है थोड़ी से बर्तन पड़े हैं इनको वॉश करूंगी और ये जो आटा गूंद लिया है इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी और इसके बाद जितनी चीज़ें अभी फैल गई हैं लाइक मैंने पानी लिया या मैंने मसाला दानी ली है ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ वापस रख दूँगी ताकि मेरा काम हल्का रहे जब मैं किचन में दोबारा आऊँगी काम करने के लिए तो ये व्लॉग मैं आज यहीं एंड करूँगी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय